का है जहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। हम लोग रेलवे स्टेशन में अभी, जो कि यहाँ पे मडगांव में है, और यहाँ पे आगे को देखने को मिल रहा होगा, और ये देखने को मिल रहा होगा आप लोगों की, यहाँ पे गाड़ी का जो है बहुत बड़ा पार्किंग है, यहाँ से लेके बहुत बड़ा है। और यहाँ पे आगे को पुलिस स्टेशन भी है, जैसे कि कुछ इमरजेंसी में हो सकता है। और टैक्सी वैक्सी बहुत सारे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन आगे को है, जो कि फर्स्ट में ही आप लोगों को टिकट काउंटर मिल जाएगा, जो आगे देखने को मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ से आपको टिकट मिलता है। तो मडगांव में सबसे पहले अगर आप लोग इंट्री करते हैं तो यहाँ से सीधे जो आगे मेन रोड दिख रहा है आप लोगों को, मेन रोड से आप लोग सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा कि यहाँ पे तो बहुत सारे पार्किंग है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो अभी बहुत कम लोग हैं। तो अभी सुबेरे का टाइम है, तो मैं आप लोगों को सनसेट भी दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे गोवा में सबसे मस्त रहता है। तो यहाँ पे छोटा सा पार्क टाइप का है, तो यहाँ पे हम लोग बैठने के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा होगा ये। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा जगह है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए बसेस भी हैं यहाँ पे, ट्रेन है, जो कि हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगा आप लोगों को। जब भी गोवा में आना हो तो आप मडगांव से कहीं भी घूम सकते हैं, बीच साइड पणजी हो गया, जैसे कि कांदोलिम बीच हो गया, बागा बीच हो गया, और कलंगकुट बीच हो गया, बहुत सारी जगह यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेन में या फिर बस में किसी से भी आ सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे आने के लिए